अस्सलाम वालेकुम। 6,000 डॉलर प्लस मैं अपवर्क से लास्ट 1 ईयर में अर्न कर चुका हूं। अगर हम वर्क की बात करें तो अपवर्क पे मैं डाटा एंट्री, लीड जनरेशन, डाटा स्क्रैपिंग, वेब स्क्रैपिंग ये काम करता हूं। इसके अलावा यही सेम काम मैं फाइवर पर भी कर रहा हूं। जैसा कि ये देख सकते हैं मेरी फाइवर की प्रोफाइल भी आपके सामने शो हो रही है। अगर हम रिव्यूज की बात करें तो 20 लोगों ने मेरी फाइवर की प्रोफाइल पे रिव्यूज किए हुए हैं। अगर हम लास्ट डिलीवरी की बात करें तो 3 दिन पहले डाटा स्क्रैपिंग का प्रोजेक्ट कंप्लीट करके अपने क्लाइंट को डिलीवर कर चुका हूँ। जैसा कि देखते हैं रिसेंटली मुझे डाटा स्क्रैपिंग का अपवर्क से प्रोजेक्ट मिला है। ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट करके मैं अपने क्लाइंट को सेंड कर चुका हूँ, जिसमें क्लाइंट ने मुझे अपनी रिक्वायरमेंट सेंड की है। ये रिक्वायरमेंट शो रही है, इस रिक्वायरमेंट को फॉलो करके मैंने इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट किया है। तो आगे जाकर मैं आपको रिक्वायरमेंट पे रीड करना सिखाता हूँ। इसके बाद मैं आपको ये भी सिखाऊंगा अगर आपको अपवर्क या फाइवर से इस तरह का प्रोजेक्ट मिल जाता है किस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है, इस काम को आपने सही तरह से सीखना है। अगर आप ये स्किल सही तरह से सीख लेते हैं तो इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप फाइवर और अपवर्क से अच्छी खासी इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए चलते हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, मजीद डिटेल हम लैपटॉप स्क्रीन पर जानते हैं। डियर फ्रेंड, अगर आप फाइवर पर बिगनर हैं, आपको फाइवर का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आपके आसानी के लिए मैंने फाइवर का पेड कोर्स क्रिएट किया हुआ है जिसकी एड आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। इस कोर्स की प्राइस 2,000 रुपीज है। 2,000 रुपीज में आप फाइवर तक घर बैठे लाख रुपीज अर्न कर सकते हैं। अगर हम फाइवर कोर्स की बात करें तो अकाउंट क्रिएट करने से लेकर फर्स्ट पेमेंट विदड्रा करवाने तक सारा तरीका इस कोर्स में सिखाया गया है। अगर आप कोर्स बाय करना चाहते हैं तो एड पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको कोर्स की आउटलाइन सेंड करूंगा, डिटेल सेंड करूंगा, देन आप कोर्स बाय करके पैसा कमा सकते हैं। थैंक यू जी। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम जो है कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जैसा कि ये देख सकते हैं मैंने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को ओपन किया हुआ है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट रिसेंटली मुझे अपवर्क से रिसीव हुआ है। जैसा कि ये देखते हैं मैंने अपनी अपवर्क की प्रोफाइल भी ओपन की हुई है। अगर हम टोटल अर्निंग की बात करें तो अपवर्क से मैं टोटल 6,000 डॉलर प्लस अर्न कर चुका हूँ। इसके अलावा अगर हम टोटल जॉब्स की बात करें तो अपवर्क से मुझे 19 जॉब्स रिसीव हो चुकी हैं। अगर हम अवर्स की बात करें तो अपवर्क से जो भी मुझे प्रोजेक्ट मिलता है मैं 5 डॉलर पर अवर चार्ज करता हूं। जैसा कि ये देखते हैं ये जो प्रोजेक्ट है, बेसिकली ये प्रोजेक्ट वेब स्क्रैपिंग से रिलेटेड है। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो रही है, इस रिक्वायरमेंट को हम समझेंगे, इसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करना भी सीखेंगे। अगर हम इस काम के डिमांड की बात करें तो इस काम की फाइवर पर भी बहुत ज्यादा डिमांड है, इसके अलावा अपवर्क पर भी बहुत ज्यादा डिमांड है। जैसा कि ये देखते हैं मैंने अपनी फाइवर की प्रोफाइल ओपन की हुई है। अगर हम टोटल रिव्यूज की बात करें तो 20 लोग मेरी फाइवर की प्रोफाइल पर रिव्यूज कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम लास्ट डिलीवरी की बात करें तो लास्ट प्रोजेक्ट मैं फाइवर से 3 दिन पहले डिलीवर कर चुका हूँ। यहाँ पे ये मेरी 2 गिग्स शो हो रही है जिन पे मुझे वर्क मिलता है। अब हम क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पे आते हैं। पहले हम क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को रीड करते हैं, इसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करते हैं। यहाँ पे ये पूछ रहा है, आई नीड द 100 लिस्ट ऑफ रियल एस्टेट एजेंट इन न्यूयॉर्क, यू हैव टू फाइंड दी फॉलोइंग डेटा। क्लाइंट ने मुझे कहा है कि भी न्यूयॉर्क में रियल इस्टेट एजेंट है, आपने 100 रियल इस्टेट एजेंट का डेटा कलेक्ट करके देना है। क्या क्या चीजें फाइंड करके देनी है? कंपनी का नाम फाइंड करके देना है, रेटिंग, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वेब हेडलाइन। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को हम कम्प्लीट करना सीखेंगे। या भी ये जो कीवर्ड शो हो रहा है, आपको रियल इस्टेट एजेंट का भी कह सकता है, बार बार का भी कह सकता है, ठीक है भी। इसके अलावा आपको कॉफी शॉप का कह सकता है, किसी भी चीज का आपको कह सकता है। सबका सेम मेथड है जो मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ। सिंपली यहाँ पे ये जो रियल एस्टेट एजेंट है न्यूयॉर्क लिखा है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद हम गूगल पर आते हैं। गूगल पर आकर मैं ये पेस्ट करता हूँ और इंटर पे प्रेस करता हूँ। डियर फ्रेंड, इंटर पे मैंने प्रेस कर दिया। अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे देखते हैं न्यूयॉर्क में जितने भी रियल एस्टेट एजेंट है इनकी यहाँ पे ये बिजनेस प्रोफाइल बनी हुई है। यहाँ पे नीचे लिखा है मोर बिजनेस, आपने यहाँ पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, मैंने मोर बिजनेस पे प्रेस किया तो जैसा कि ये देखते हैं जितने भी रियल एस्टेट एजेंट्स न्यूयॉर्क में हैं सबके यहाँ पे ये प्रोफाइल शो हो चुकी है। अगर हम एंड में हैं तो यहाँ पे ये देखते हैं ये क्वेश्चन है 120 ऑफ मैनी, ठीक है भाई। 20 पेजेस हैं, 20 पेजेस पे जितने भी डाटा है आपने ये सारा कलेक्ट करके देना है। क्लाइंट ने मुझे 100 का कहा है, आपने 1 by 1 करके 100 कंपनी का डाटा फाइंड करके देना। अगर मैं नेक्स्ट पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं दूसरे पेज पे ये रियल एस्टेट एजेंट शो हो चुके हैं। तो सिंपली मैं प्रीवियस पेज पे आ जाता हूँ, पहले पेज पे आ जाता हूँ, ठीक है। पहले पेज पे मैं आ चुका हूँ। अगर हम टॉप पे हैं तो यहाँ पे ये पहला रियल एस्टेट एजेंट शो रहा है, इस पे अगर मैं प्रेस करता हूँ, जैसा कि यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे ये कंपनी का नेम शो रहा है, यहाँ पे 4.7 इसकी रेटिंग है, ये फोन नंबर शो रहा है, ये वेबसाइट का लिंक है। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे तो यहाँ पे एड्रेस है, जो क्लाइंट ने हमें डाटा बताया सारा डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम 1 by 1 करके ये काम करते रहे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो मैं आपको एक एक्सटेंशन बताता हूँ, उस एक्सटेंशन का यूज करके आपको जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट दिया जाए आप उसको 10 से 15 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। पहले आपने ऐसा करना है, आपने एमएस एक्सेल को ओपन कर लेना है। एमएस एक्सेल को मैंने ओपन कर लिया, इसके आपने ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लेनी है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ।
इसके बाद जो दूसरा स्टेप है आपने ऐसा करना है, आपने एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है। सिंपली न्यू टैब पे आ जाता हूँ, न्यू टैब पे मैंने गूगल को सर्च किया है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर एक्सटेंशन। ठीक है, गूगल पे मैंने सर्च किया इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर एक्सटेंशन, फर्स्ट वाला लिंक आ चुका है, फर्स्ट वाला लिंक पे प्रेस करेंगे। बेसिकली जो एक्सटेंशन है ये गूगल क्रोम की है, इस एक्सटेंशन को आप अपने ब्राउजर में इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे रिमूव लिखा हो रहा है। एक्सटेंशन को भी इंस्टॉल कर लिया है, ये डाटा भी हमने ओपन किया हुआ है। इसके बाद आपने सिंपली ऐसा करना है, यहाँ पे प्रेस करना है, यहाँ पे ये मेरी एक्सटेंशन हो रही है, इस एक्सटेंशन में मैं प्रेस करता हूँ। जैसा कि ये देखते हैं ये जो एक्सटेंशन है ये स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद ये देखते हैं यहाँ पे ये जितनी भी कंपनीज हैं ये सारी हाईलाइट हो चुकी है। ठीक है भाई, बाहर इनके रेड सर्कल शो हो चुका है, ये हाईलाइट हो चुकी है, मतलब ये सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे ये देखते हैं इस एक्सटेंशन ने फर्स्ट पेज के जितनी भी कंपनी है सबका डाटा फाइंड करके दे दिया है। ठीक है भाई, इसके बाद आपने इसको सिंपली ऐसा करना है, कॉपी ऑल पे प्रेस करना है, एम एस एक्सेल पे आ जाना है, यहाँ पे आकर आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है भाई, पेस्ट मैंने कर दिया है। अब आपने यहाँ से इस डाटा की क्लीनिंग करनी है, जो चीजें जिन चीजों की आपको जरूरत है वो चीजें आपने रहने देनी है, बाकी चीजें आपने यहाँ से डिलीट कर देनी है। जैसा कि ये देखते हैं फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे कोई लिंक शो हो रही है, ये लिंक हमारे काम के नहीं है, सिंपली आपने यहाँ पे प्रेस करना है, डिलीट पे प्रेस करना है, यहाँ से ये डाटा रिमूव हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे कंपनीज के नेम शो हो रहे हैं, सिंपली यहाँ पे आपने कंपनी नेम लिखना है। यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, इसको मैं कोई बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ठीक है भाई, इसके बाद मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है भाई, कंपनी का नेम हमने फाइंड कर लिया है, जैसा कि ये देख सकते हैं कलर की जो रिक्वायरमेंट है, कंपनी नेम रेटिंग। ठीक है भाई, सेकंड नंबर पे रेटिंग है, जैसा कि ये देखते हैं यहाँ पे कंपनी की रेटिंग छोड़ रही है 4.7, 4.6। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेटिंग। ठीक है भाई, रेटिंग में हमने फाइंड कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे ये जो डाटा छोड़ रहा है ये हमारे काम का नहीं है, यहाँ पे प्रेस कर दो, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे ये इनकी कैटेगरी छोड़ रही है, यहाँ पे प्रेस कर दो, इसको डिलीट कर दो, ये भी हमारे काम का नहीं है। इसके बाद यहाँ पे ये छोड़ रहा है कितने अर्थ से ये कंपनी काम कर रही है, इस डाटा की भी हमें जरूरत नहीं है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे ओपनिंग है, क्लोजिंग आवर्स है, टाइम है, इसको भी मैं डिलीट कर दूँ, ये भी हमारे काम का नहीं है। इसके बाद लोकेशन छोड़ रही है न्यूयॉर्क, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम है फोन नंबर, फोन नंबर की हमें जरूरत है, तो सिंपली यहाँ पे ऐसा करता हूँ, डबल प्रेस करता हूँ, फोन का नाम देता हूँ। ठीक है भाई, फोन नंबर भी हमने फाइंड कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे कंपनी का एड्रेस है, इनको आपने रहने देना है, यहाँ पे आपने एड्रेस लिख देना है। ठीक है भाई, इसके बाद यहाँ पे वेबसाइट का लिंक है, बाकी जो लिंक है ये सारे फजूल है, इनको डिलीट कर देना है। ठीक है भाई, ये लिंक हमारे काम के नहीं है, ये सारे लिंक मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये शेयर शेयर लिखा है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ये डाटा भी हमारे काम का नहीं है। इसके बाद आपने इस डाटा को यहाँ पे प्रेस कर सेलेक्ट करना है, कंट्रोल एक्स प्रेस करना है, यहाँ पे आकर आपने कंट्रोल वी प्रेस करना है। ठीक है भाई, ये डाटा यहाँ पे आ चुका है, कंपनी का नेम है, इसके बाद यहाँ पे कंपनी की रेटिंग है, इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, कॉलम बी पे आता हूँ, यहाँ पे अगर कंट्रोल वी कर देता हूँ। ठीक है भाई, इसके बाद कंपनी का फोन नंबर है, इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ पे अगर कंट्रोल वी करता हूँ। ठीक है, कंपनी का फोन नंबर भी आ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे कंपनी का एड्रेस है, इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ पे अगर कंट्रोल वी कर देता हूँ। ठीक है भाई, इसके बाद यहाँ पे कंपनी के वेबसाइट का लिंक है, इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ पे अगर कंट्रोल वी कर देता हूँ। ठीक है भाई, डिफरेंट क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को फॉलो करके हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। कंपनी का नेम भी फाइंड कर लिया है, रेटिंग भी फाइंड कर लिया है, फोन नंबर भी फाइंड कर दिया है, एड्रेस भी फाइंड कर दिया है। ठीक है भाई, वेबसाइट के लिंक्स हैं, ये भी फाइंड कर लिया है। ठीक है भाई, अब हम बात करने जा रहे हैं लोग किस तरह से इस काम से पैसा कमा रहे हैं और आप किस तरह से पैसा कमा सकते हैं। पहले हम आते हैं फाइवर पर, जैसा कि ये देख सकते हैं मैंने अपनी फाइवर की प्रोफाइल भी ओपन की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाइवर से ये काम करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहा हूँ। तो इसके बाद मैं फाइवर के होम पेज पे आ चुका हूँ, यहाँ पे मैंने डाटा स्क्रैपिंग सर्च किया है। ये जो मैं अभी आपको वर्क कर चुका हूँ बेसिकली ये डाटा स्क्रैपिंग का वर्क है। ठीक है भाई, आपने डाटा स्क्रैप करके देना है। यहाँ पे ये देखते हैं ये लोग की सर्विस हो रही है, ये कुछ रहा है वेब स्क्रैपिंग। ठीक है, ये बंदा अभी यही काम करता है जो मैं अभी आपको सिखा चुका हूँ। इस बंदे को $375 मिले हुए हैं, ये बंदा एक प्रोजेक्ट कम्प्लीट करके देने के $30 लेता है। यहाँ पे ये जो बंदा है ये भी बंदा भी वेब स्क्रैपिंग डाटा माइनिंग ये काम करके देता है। इस बंदे को $1,000+ मिले, 5 स्टार इसकी रेटिंग है, और ये बंदा भी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देने के $30 लेता है। इस गैग को हम न्यू टैब पे ओपन कर लेते हैं, हम इसका स्टैंडर्ड प्रीमियम प्लान देख लेते हैं भी। स्टैंडर्ड प्लान में ये बंदा कितने पैसे लेता है, प्रीमियम प्लान में कितने पैसे लेता है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट रेवेन्यू हो रही है, इस बंदे को $457 मिले हुए हैं, इस बंदे को $38 मिले हुए हैं। इस तरह अगर हम मजीद नीचे आए तो हर किसी को अच्छे खासे ऑर्डर मिले हुए हैं। ये देखते हैं इस बंदे को $1,000+ मिले हुए, इस बंदे को भी $1,000+ मिले हुए। तो इस बंदे गेट मैंने न्यू टैब पे ओपन कर लिया है, ये देख सकते हैं 7 ऑर्डर इस बंदे के पेंडिंग में पड़े हुए हैं, मतलब है इस बंदे ने अभी सॉल्व नहीं किया है, 7 ऑर्डर अभी इसके क्यू में पड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर हम इसके बेसिक प्लान की बात करें तो ये 300 डाटा स्क्रैप करके देता है, जैसे ये $30 लेता है। स्टैंडर्ड प्लान की बात करें तो स्टैंडर्ड प्लान में ये बंदा 600 डाटा स्क्रैप करके देता है, जिसके ये $45 लेता है। इसके अलावा अगर हम प्रीमियम प्लान की बात करें, प्रीमियम प्लान में ये बंदा 10,000 डाटा स्क्रैप करके देता है, जिसके ये बंदा
47 डॉलर लेता है। ठीक है भाई, तो इस काम की फाइवर पर बहुत ज्यादा डिमांड है। आपने सिंपली ऐसा करना है, आपने डाटा स्क्रैपिंग की फाइवर पर गिग क्रिएट कर दिया है। अगर आपको गिग क्रिएट करना नहीं आता तो मेरा फाइवर का पेड कोर्स है, वो पेड कोर्स आप सीख लें, इंशाल्लाह आप फाइवर का एक्सपर्ट बन जाएंगे। उस कोर्स की एड स्क्रीन पे शो हो रही है, ये जो मेरा नीचे नंबर दिया गया है इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करें। इंशाल्लाह 2000 रुपीज का कोर्स है, 2000 रुपीज में आप फाइवर का एक्सपर्ट बन जाएंगे और इस तरह के काम पकड़कर आप फाइवर से अच्छी खासी इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो अपवर्क है। अपवर्क पे भी इस काम की बहुत ज्यादा डिमांड है, जैसा कि आपके सामने ये मेरी अनेक पिच हो रही है। सिंपली हम फाइंड वर्क पे आते हैं, इसको मैं न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ, मैं आपको यहाँ पे वर्क दिखा देता हूँ। तो मैंने ये जो प्रोफाइल क्रिएट की हुई है, बेसिकली इसी वर्क की प्रोफाइल क्रिएट की हुई है। तो अपवर्क पे मैंने जॉब्स ओपन कर ली है। अगर हम थोड़ा सा नीचे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी सारी जॉब शो हो रही है। यहाँ पे नेक्स्ट जॉब शो हो रही है, यहाँ पे मेरा फाइंड ईमेल फॉर अ लिस्ट ऑफ लीड। ठीक है, इस जॉब को हम ओपन कर लेते हैं, इसकी डिटेल को रीड करते हैं। जैसा कि ये देख सकते हैं, ये बंदा कहता है आई हैव अ लिस्ट ऑफ 2000 लीड्स, यू हैव टू फाइंड फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, लेटर URL, कंपनी डोमेन नेम, सारा कुछ। ठीक है, क्लाइंट ने कहा है कि भाई मेरे पास 2000 वेबसाइट के लिंक्स है, उन लिंक्स की मदद से आपने कंपनी का नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये चीजें फाइंड करके देनी है। $12 इस प्रोजेक्ट की फिक्स प्राइस है, $12 में आप ये जॉब कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो ये देख सकते हैं 20-50 लोगों ने इस जॉब पे अप्लाई कर दिया है। इस तरह अगर हम मजीद नीचे आए तो यहाँ पे नेक्स्ट जॉब शो हो रही है। ये बंदा कहता है कि भाई मुझे आप 250 HR प्रोफेशनल की ईमेल फाइंड करके दो। ठीक है, एक्सेल का काम है, ये भी आसान सा काम है। यहाँ पे जितनी भी जॉब शो हो रही है, ये सारी की सारी लीड जनरेशन स्क्रैपिंग की जॉब है। ये देख सकते हैं ये स्क्रैपिंग की जॉब शो हो रही है। इस अगर हम मजीद नीचे आए तो ये जितनी भी जॉब शो हो रही है, सारी डेटा स्क्रैपिंग लीड जनरेशन की जॉब शो हो रही है। बहुत ही आसान सा वर्क होता है, बहुत से लोगों को रिक्वायरमेंट की समझ नहीं आती होती। आपने रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से समझना है, इंशाल्लाह आपको फ्रीलांसिंग से बहुत जल्द सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप तक के लिए अल्लाह हाफिज़।